वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। और मैं हूँ अपने खेत में। अब ये चारों तरफ का एक बार वातावरण देखिए, ये हमारे धान की फसल खड़ी है और पराली भी पड़ी है भाई खेतों में। कहीं कोई पराल नहीं जल रहा, लेकिन सामने चल रही है फैक्ट्री। अब वो देखिए फैक्ट्री का धुआं और उसकी चिमनी। और ऐसी एक नहीं है, यहाँ अनेक फैक्ट्री हैं, किसी कारणवश सिर्फ मैं यही दिखा पाया। लेकिन ये देखिए कि कितना धुआं चारों तरफ, इसने पॉल्यूशन कितना क्रिएट कर रखा है। और फिर कहा यह जाता है कि भाई किसानों की वजह से, पराली की वजह से धुआं हो रहा है। तो इस बार तो मुद्दा बना नहीं, क्योंकि इधर बीजेपी की सरकार हो गई, उधर आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई, तो कोई आरोप किसी पे लगा नहीं पाया। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि एक एकड़ की पराली, एक किला बोलते हैं हमारे यहाँ, 10,000 रुपये में बिकती है और मिल नहीं रही। वो भी 10,000 रुपये में मिल नहीं रही और हमने सारी बेच दी है। तो हम किस लिए आग लगाएंगे भाई इस पराली में? ये जब इसमें से धान निकल जाएगा तो पराली बचेगी तो बिक जाएगी, पशुओं के चारे के रूप में काम आती है और अन्य 10 जगह काम आती है। लेकिन कहा जाता है कि किसान प्रदूषण कर रहा है। और दूसरी तरफ देखो फैक्ट्रीज, वहाँ का माहौल देखो, ये फैक्ट्री है। अब ये इधर देखो, ये चिमनी दिन रात चलती रहती है। तो किसानों को कोसना बंद कीजिए, अन्नदाता हैं, उनका सम्मान कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।